Drive carefully in mountains. सोनमार्ग जरूर आना भाई. स्नोफॉल हो रही है, बारिश नहीं हो रही, स्नोफॉल है. जोजिला पास का 0 point. बर्फ हो गई अब स्टार्ट. देख लो भाई साइड में, मजा आ रहा है भाई, पूरा फुल मजा भाई. यहाँ होगी गाड़ी गाड़ी की चेकिंग और रजिस्ट्रेशन होगा. यहाँ रुकवानी पड़ेगी भाई. भाई पंडित जी गए हमारे व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाने. ये भाई जरूरी होता है लिखवाना, है ना, जरूरी होता है, क्योंकि ना रोड ऐसा ही है, थोड़ा सा पता रहे आगे गाड़ी पहुंची या नहीं पहुंची. इसके लिए यहाँ से भाई इस चेक पोस्ट से ना कारगिल का एरिया शुरू हो चुका है. अब भाई यहाँ रुके थे टी ब्रेक के लिए. कारगिल अथॉरिटी डेवलपमेंट एरिया चल रहा है भाई. तो मैं पहली बार आया था ना ले, तो मैं पहले भी रुका था भाई यहाँ पे. रूट दिखा देता हूँ भाई. ये जो है ना नया रूट बन गया है. पहले वाला रूट ना वो देख रहे हो आप, वो टूटा हुआ जो रोड है, पहले वो सीधा था. अब निकल रहे सीधा कारगिल. मद्रास में एंटर हो चुके हैं भाई. इसके बाद आएगा कारगिल. यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है आगे पहाड़ों में, यही दिक्कत है सिंगल रोड की. क्रॉस कर चुके हैं भाई, क्रॉस. अब आएगा सीधा कारगिल. कारगिल वॉर मेमोरियल है ना. आर्मी बहुत हेल्प करती है भाई. इधर स्कूल के बच्चे उतर रहे थे भाई. पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल. ये है भाई पंडित जी, गाड़ी की सीट पे जूता पहन रहे हो? मेरे जूते हैं. अरे तो भाइयों ये चीज भी हमको अच्छी लगी है ना, जिस चीज के लिए आर्मी जानी जाती है, डिसिप्लिन के लिए. बिना शूज के ना मेमोरियल के अंदर बढ़ नहीं सकते. तो भाई शूज पहन लिए हम लोगों ने, मैंने तो पहन लिए विंटर गेयर है. देख लिया होगा आपने, लगे पड़े तो भाई जो कारगिल वॉर हुआ था ना, ये है जस्ट इसके पीछे ही है पहाड़ी. ये कारगिल वॉर मेमोरियल. तो भाई आप ये हथियार देख रहे हो ना, ये अभी भी वर्किंग है. और ये वही हथियार है जो भाई कारगिल युद्ध में यूज करे गए थे और अभी भी वर्किंग है भाई. ये जो इधर की साइड फायर करते थे. तो भाई ये है हमारे कैप्टन बत्रा की प्रतिमा, जिनके ऊपर मूवी बनी है शेर साहब. भाई सैल्यूट है ऐसी माओ को जिन्होंने ऐसे लालों को दिलाया, जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं. और भाई शहीद भी होते हैं भाई भारत माता के लिए. तो हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी कि हमारे लिए ना हम चैन की नींद सो पाए और चैन की सांस ले पाए अपने घरों में. बताते वक्त भी ना रात में से आंसू आ रहे हैं. रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, इतना ठंड नहीं लग रहा, बट भाई रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतनी ठंड भी नहीं लग रही मेरे को. तो इंडियन आर्मी जय हिंद जय भारत भाई. जरूर कमेंट बॉक्स में भाई जय हिंद जरूर लिखना भाई, जो इंडियन आर्मी लवर है. जय हिंद जरूर लिखना भाई. कारगिल की ब्यूटी गाइस, कड़ी चीज कारगिल में. मेरे छोटे भाई बॉर्डर पे खड़े हैं और पाकिस्तान चलने बह गए हैं अब. तो भाई कारगिल में एंटर होने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है भाई.
कम से कम कारगिल वॉर मेमोरियल से 30 किलोमीटर आगे कारगिल रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पंडित जी उतरे हुए हैं भाई। कारगिल टाउन हमने कर दिया बाईपास। तो गाइस ये है कारगिल विलेज, उससे कम वाला भी है। हमने बाईपास कर दिया, अंदर जेल जा सकते थे पर हमने बाईपास ले लिया। बाहर बाहर कर है ना, कुछ पूजा वूजा चल रही है। हाँ मंदिर है, गणेश जी तो नहीं लग रहे। हाँ गणेश जी है भाई, पूजा वूजा हो गई है। आपने नया मंदिर बनाया यहाँ पे भाई, नाम एक लाख हाइट 12,198 फीट। चेक पोस्ट है खानदाल का, पंडित जी अपना चेकिंग वेकिंग करवा मतलब रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पंडित जी कम इनसाइड, अब रुके हैं डिनर के लिए क्योंकि लेह से 50 किलोमीटर पहले बासगो करके कोई जगह पड़ती है, वहाँ पे रुके हैं भाई। यही चीज़ खुली हुई मिली है, हमें डर था यार कि लेह में ना लेट पहुँचेंगे भाई, कम से कम 11:30 या 12 के आसपास पहुँचेंगे हम लोग। तो यार हमने ना यहीं पर डिनर का सोचा कि हम यहीं कर लेते हैं डिनर, क्या पता वहाँ पे मिले ना मिले। किचन वगैरह गेस्ट हाउस का भी कुछ भी श्योर नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी, बट अब यहाँ पे कर लिए। थोड़ा टाइम भाई इसलिए ज़्यादा लग गया हम लोगों को ना, तो जोजिला पास जो है और उसके बीच में उससे पहले ही जोजिला पास से पहले काम कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी थी तो उसको क्लीन करने में थोड़ा सा वहाँ पर ना 2.5 घंटे का डिले हो गया था। पहले देख चुके हो गए आप लोग, तो वहाँ पर 2.5 घंटे का डिले हो गया था और ट्रैफिक काफ़ी लग चुका था वहाँ पे, तो 2.5 घंटे का डिले हो और बाकी भाई ट्रैफिक भी लगा है और थोड़ी और प्रॉब्लम्स आई हैं, चेक पॉइंट्स भी आए हैं। अभी थोड़ा सा सीन हो गया था भाई, 97 किलोमीटर लेह से पहले चेक पोस्ट आता है भाई जहाँ पे कोविड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे ना हम लोगों का कोविड टेस्ट वगैरह मतलब डोज वगैरह का वो मांगा था कि सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो यार तुम्हें पता ही है यार माउंटेन्स में कितना रहता है, कितना इशू रहता है नेटवर्क्स का, तो भाई नेटवर्क इशू थे, बाकी सब डबल डोज लगी हुई है सब चारों के हमारे, तो नेटवर्क इशू के कारण यार ऑनलाइन डले हुए थे भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऑनलाइन थे ही भाई सारे चीज़ें, तो वहाँ से डाउनलोड थोड़ा सा पीछे हटे वहाँ से चेक पॉइंट से, वहाँ से डाउनलोड करके अपना भाई इनको दिखाया सब चीज़, वहाँ से उन्होंने एक स्लिप सी पे दिया है स्टाम्प चेक साइन वगैरह करके अपना निकला है। 50 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं लेह से बासगो में डिनर के लिए। तो भाइयों पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक हिल, क्या टाइम हो रहा है भाई 11:30, अब पहुँचे हैं भाई, डिनर विनर सब कर लिया, पहले बता चुका हूँ दिखा चुका हूँ, डिनर विनर सब कर लिया, अब पहुँचे हैं भाई 11:30 बजे। देखते हैं भाई एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे क्या होता है, पहली बार करेंगे क्यों नु भैया, गाड़ी में बैठे बैठे लाइट जला देना जरा अंदर की भी दिखा देंगे भाई आगे। भाई गाइस ढलान है, दिख रही होगी या नहीं, हाँ दिख रही है ढलान है, गाड़ी छोड़ते हैं इधर से नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अब ये कर दी हमने लाइट जला दो ना, लाइट जला दो ना, न्यूट्रल छोड़ो गाड़ी को, ये छोड़ दी, ब्रेक दबा रखे हैं अभी ना, बस ब्रेक दबा रखे हैं भैया, भैया ने हमारे वो देख रहे होगा आप, गाड़ी छोड़ दो भैया, ये जा रही है भाई धीरे धीरे पीछे जा रही है पीछे जा रही है, पीछे जा रही है भाई पीछे जा रही है, गाड़ी गाड़ी जा रही है पीछे। ओ भाई अच्छी खासी स्पीड में जा रही है, तो ओ भाई बहुत है, वो बस बस रोक ले वो भाई, वो कितनी होगी 15-20 के आसपास, ऐसे लग रही है जैसे भाग रहे हो 30-40 ऊंचाई चढ़ के आई पीछे। हाँ एंटर हो चुके हैं भाई ले में, अब ढूंढते हैं भैया होटल क्योंकि टाइम हो रहा है, कितना
12 करेंट।